साथियों, एक बार पुनः न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे फूड मटेरियल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें बहुत कम लोगों की रुचि रहती है। लेट अस स्टार्ट। आज हम यहाँ बात करेंगे स्टार्ची वेजिटेबल की, जिसका नाम है शकरकंद, यानी स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो है वो हमारे जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत महत्व रखता है, जिसके महत्व को हम जानते नहीं हैं। यदि आप उसके गुणों को जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतिदिन उसे अपने भोजन में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके न्यूट्रिशन फैक्ट क्या हैं स्वीट पोटैटो के। तो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद में, जिसे रतालू भी कहते हैं देशी भाषा में, उसमें विटामिन ए, सी और ई, तीन प्रकार के विटामिन, सबसे पहले बात करेंगे उसी की। बीटा कैरोटीन के रूप में हमको जो तत्व मिलते हैं शरीर में शकरकंद खाने से, वो विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रकार से शकरकंद खाने से हमें हमारी आई हेल्थ मिलती है। दूसरा, विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमें काम करती है, हमें इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, और विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर में काम करती है। तो इस प्रकार से हम फ्री रेडिकल को भी हम रिमूव कर पाते हैं। फिर इसमें जो प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन बी के तीन मेन कंटेंट्स, विटामिन B3, नायसिन, ये हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करता है। विटामिन B5, पेंटाथोनिक एसिड, ये जो है हमारे शरीर में हमारे हेयर की ग्रोथ को लेता है, प्लस कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है। साथ ही साथ विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट करता है। विटामिन B6 हमारे शरीर में हमारे ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। तो इस प्रकार से साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम, जिससे कि हमारा जो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है। और साथ ही साथ ये रेजिस्टेंट स्टार्च है इसमें होता है, इसलिए रेजिस्टेंट स्टार्च क्या करता है, रेजिस्टेंट स्टार्च हमारे बॉडी में धीरे धीरे ब्लड शुगर रिलीज करता है। जैसे हम किसी भी प्रकार का हाई इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं तो वो बहुत जल्दी से हमारे शरीर में शक्कर पैदा कर देता है खाना खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर, लेकिन ये रेजिस्टेंट स्टार्च होने के कारण इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, और इसीलिए इसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण यही गुण हैं कि एक तो ये रेजिस्टेंट स्टार्च होने की वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, जिससे हम डायबिटिक कंडीशन में नहीं जाते हैं। दूसरा, ये गुड माइक्रोबायोम्स बनाता है, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च होने की वजह से, और गुड माइक्रोबायोम हमारी गट हेल्थ अच्छी होने के कारण हमारा शरीर पूरा बहुत ही सशक्त होता है और सभी बीमारियों को दूर कर देता है। इसके मेन रोल क्या है स्वीट पोटैटो के, हमारी बॉडी में क्या काम करता है? तो सबसे पहला काम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ करता है, फिर ये क्लिंजर के रूप में यूज़ करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, प्लस फाइबर से लोडेड होता है, इसमें सेल्युबल फाइबर होता है, और फाइबर होने के कारण ये क्या करता है, हमारे कोलोन के कैंसर को डेवलप होने से रोकता है, ये सबसे बड़ी रिस्क होती है। और चूँकि सेल्युबल फाइबर होने से ये हमारे गट्स में गुड बैक्टीरिया बनाता है, और वो गुड बैक्टीरिया हमारे फूड को सिंथेसिस करते हैं। तो यदि हम कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड भी खाते हैं, तो यदि हमने मॉडरेट अमाउंट में स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद का कंज्यूम किया है, तो वो हमारे उस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के दुष्परिणामों को भी रोक देता है, और उससे जो शुगर पैदा होती है उसको का भी अब्जॉर्प्शन जो है वो धीरे धीरे ही बॉडी में होने देता है, इसलिए हम डायबिटिक कंडीशन की तरफ नहीं बढ़ पाते। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसको कंज्यूम करने से बहुत ही गहरी नींद आती है, मतलब हम जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि स्लीप लाइक ए बेबी, मतलब इतना आनंददायक नींद आती है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब हम इसका उपयोग कैसे करें, तो बहुत आसान है, या तो इसको हम भाप में पका लें, स्टीमिंग कर लें, या हम इसको भून लें यानी कि रोस्टिंग कर लें, या फिर हम इसको छील करके बारीक काट करके और थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर लें, और उसको थोड़ा सा पानी हल्का सा डाल करके उसको कुक कर लें, और फिर उसमें थोड़ा सा हम दालचीनी, सिनेमन और थोड़ा सा काला नमक डाल करके उसमें नींबू निचोड़ करके और उसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसको हम पानी में बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी में बॉईल करने से हमारे जो कुछ विटामिन्स के कंटेंट्स हैं वो वाटर में चले जाते हैं, इसलिए इसको या तो स्टीमिंग करके खाना चाहिए या रोस्टिंग करके खाना चाहिए, या फिर हमको इतना उसमें पानी डालें कि वो उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और सेमी कुक्ड टाइप का रहे, और तभी हम उसमें नींबू और सिनेमन और ब्लैक चाट डाल करके उसका कंजम्पशन करें। डायबिटिक पेशेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मीठा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये, क्योंकि ये तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात नहीं हम करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे कि रेजिस्टेंट स्टार्च होने के कारण इसका जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे रिलीज होता है बॉडी में, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको इस प्रकार से आपको कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम स्वीट पोटैटो के बेनिफिट हैं वो बताते हैं क्या हैं। तो सबसे पहला तो वो एंटीऑक्सीडेंट है,
दूसरा वो एंटी डायबिटिक भी है, डायबिटीज़ को के लिए बहुत ही उपयोगी है। रेशनेट राख होने के कारण गुड माइक्रोबायोम हमारे गट में बनाता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका यह है कि इसको यदि हम प्रोटीन के साथ कंज्यूम करेंगे तो हमारा पेट भरा भरा रहेगा और हमें अपने वजन करने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण गुण है और ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट रूट वेजिटेबल माना गया है, जो 10,000 वर्ष पहले से मानव जाति इसका उपयोग करते आ रही है। इसलिए इस चमत्कारिक स्टार्ची वेजिटेबल यानी कि शकरकंद को आप अपने भोजन में शामिल करें और अनेक अनेक बीमारियों से आपकी रोकथाम कर सकेंगे। आप इस कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को आप कम कर सकेंगे, आप कॉन्स्टिपेशन को हटा सकेंगे, आप डायबिटीज़ को दूर कर पाएंगे। तो इससे आपके बहुत ही अनेक अनेक फ़ायदे हैं। तो आप इसको अपने भोजन में शामिल करें, अपने साथियों को भी बताएं और फुल एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।